चंद्र कहना से लौटती बे, इसके लेखक हैं श्री केदारनाथ जी अग्रवाल। चंद्र कहना से लौटती बे शीर्षक कविता एक स्वदेशीय रचना है। इस कविता में ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक छटा का उल्लेख करना ही प्रमुख लक्ष्य है। कविता संपूर्ण रूप से ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक सुषमा पर केंद्रित है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा था। लौटते समय कवि का मन गांव के खेत में खड़ी फसल में रम जाता है। कवि की पैनी दृष्टि वहां की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने में देर नहीं लगाती। कवि बताता है कि रास्ते में उसने चने के खेत देखे। उसमें बालिश्त भर का चने का पौधा गुलाबी फूलों से लदा हुआ था। बालिश्त होता है एक हथेली के बराबर। उसके बीच बीच में अलसी के कुछ छोटे से पौधे उगाए थे, जिनकी कमर को लचीला बताया गया है। उस पर नीले रंग के फूल खिले हुए थे। अलसी के फूल नीले रंग के होते हैं। गुलाबी, नीले और हरे रंग के एक साथ होने से दृश्य अत्यंत मनोरम बना हुआ था। इस अनुपम दृश्य को उजागर करना ही कवि का लक्ष्य रहा है। गेहूं के खेत में सरसों उगी हुई थी और उस पर पीले फूल भी लगे हुए थे। उसे देखकर कवि के जहन में विवाह मंडप की कल्पना उभर आती है। उसे लगा कि सरसों मानो अपने हाथ पीले करके मंडप में आ गई हो, शादी के मंडप में आ गई हो। इसी प्रकार कवि ने फागुन के महीने में प्रकृति पर यौवन के आने की और संकेत भी किया है। गांव के तालाब के आसपास के एकांत और शांत वातावरण को सजीवतापूर्वक अंकित करना भी कविता का लक्ष्य रहा है। विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों को ध्वन्यात्मक शब्दों में ढालकर एक मधुर वातावरण का निर्माण किया गया है। गांव से थोड़ी दूर पर रेत के बड़े बड़े टीले थे। वहां का वातावरण पूर्णतः शून्यता से परिपूर्ण था। उन टीलों के बीच से रेल की पटरी गुजर रही थी। जब रेल वहां से गुजरती होगी तो वातावरण की एकांतता को तोड़कर एक अनोखी हलचल मचा देती होगी। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव प्रकृति की छटा का वर्णन करना है। कवि अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल रहा है। कवि की भाषा अत्यंत सहज, सरल और भावानुकूल है। उनकी छोटी छोटी कविताएं बिंबों के माध्यम से ताजगी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी काव्य भाषा शुद्ध, साहित्यिक और व्याकरण सम्मत है। अनेक कविताओं में उनकी भाषा गद्यमय बन गई है, किंतु सभी जगह प्रवाह सर्वत्र बना हुआ है।